महिला ने अपने पति पर लगाया बच्चों के अपहरण का आरोप, थाने पर नहीं हुई सुनवाई, एसपी ऑफिस में दर्ज कराई शिकायत। शिवपुरी जिले के करेरा कस्बे में रह रही एक महिला ने अपने ही पति पर अपने बच्चों का अपहरण करने का आरोप लगाया है। महिला ने इसकी शिकायत शनिवार को एसपी ऑफिस में आवेदन देकर दर्ज कराई है। महिला ने पुलिस से गुहार लगाई है कि उसके पति के खिलाफ कार्यवाही कर उसके बच्चों को वापस दिलवाया जाए। जानकारी के अनुसार भारती प्रजापति पत्नी धर्मेंद्र प्रजापति निवासी बैराड हाल निवासी करेरा जिला शिवपुरी ने बताया कि पति की प्रताड़ना से तंग आकर वह पिछले 5 माह से अपनी बहन के यहाँ करेरा कस्बे में किराए का कमरा लेकर अपने 4 बच्चों के साथ रह रही थी। कल दिनांक 21/6/2024 को रात्रि लगभग 11 बजे के समय मेरे घर में मेरे 4 बच्चे जिसमें 2 पुत्र एवं मेरी 2 पुत्री जिनका नाम सोनिया प्रजापति 12 वर्षीय, अंश प्रजापति 10 वर्षीय, सुनेना प्रजापति 8 वर्षीय, प्रिंस 6 वर्षीय जो रात्रि घर पर अकेले थे, उनको देवर जीतू प्रजापति, पति धर्मेंद्र प्रजापति, ननद आरती प्रजापति और पति का दोस्त आकाश खटेक निवासी बैराड़ जबरदस्ती मेरे बच्चों का अपहरण कर ले गए। मैंने और मेरे आसपास पड़ोस में रहने वाली बहन ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, फिर भी वह लोग जबरदस्ती बच्चों को उठाकर गाड़ी में ले गए हैं। भारती प्रजापति ने पति और उसके परिवारजनों के खिलाफ कार्यवाही करने और उसके बच्चों को वापस दिलाए जाने की गुहार पुलिस अधीक्षक से लगाई है। भारती प्रजापति, कहाँ रहती हो आप? करेरा। सवाल कहाँ है आपकी? बेड़ार। क्या समस्या लेकर आते हैं आप यहाँ? मैं घर पर नहीं थी, मेरे बच्चे थे करेरा, तो मतलब मेरा पति रात में गया। उसने क्या नाम है आपके पति का? धर्मेंद्र प्रजापति। कहाँ रहता है वो? बेड़ार। बेड़ार में कौन सी जगह रहता है? गात्री कॉलोनी काला मठ पावराज के पास में। कब गया था आपका पति करेरा में? आज रात भी गया था। आज रात में गाड़ी नहीं गया था? गाड़ी नहीं गया था, जीप लेके गया था। देवर की जीप थी और मतलब दो गाड़ी लेके गया था। क्या नाम है देवर का? जीतू प्रजापति। कितने बच्चे ले गए आपके? 4 बच्चे। तो आप पति के साथ तो नहीं रहती थी? वो मुझसे गलत कामन की कहता है। अच्छा, कैसा? तो कब से रह रही थी आप अपने मायके में? 5 महीने से। और आपके बच्चे भी रह रहे थे? बच्चे भी मेरे साथ थे। कितनी उम्र है आपके बच्चों की? एक बच्चे की 12 साल है, एक लड़का की 10 साल है, एक लड़की की 8 है और एक लड़का की 6 साल है। अच्छा, 4 बच्चों को ले गया वो? 4 बच्चों को ले गया मेरे। उस समय आपका भी है वो बच्चों को ले गए थे? मैं अपनी भाभी के पास में आई थी। तो घर पे कोई नहीं था उस समय? घर पे थी, मतलब मेरी दीदी रहती थी, तो मतलब दीदी को गाली गलौज देके जुमा जटी करके छुड़ा के लेके आया उनसे। जबरदस्ती आपके बच्चों को? जबरदस्ती उनसे लेके आया है। अब आप क्या चाहती हो? मुझे तो मेरे बच्चे चाहिए और उससे मुझे अलग रहना, उसको मुझे जेल भेजना है। मेरा देवर भी गया था और वो भी मुझे गाली दे रहा था, जो बोला था तुम्हारे नाक कान काटूंगा, कोई रोके तो रोक लेना। थाने में शिकायत की थी आपने? मैंने की थाने में शिकायत की थी करेरा, तो उनने मतलब कोई सुनवाई नहीं की। पति आपसे क्या कहता है? आप ये बोलता धंधा करके नहीं से रुपया करके लिया, मुझे रुपया दे गए। कब से परेशान करता है आप? उसको हो गया 7-8 महीने हुए। अच्छा, शादी कब हुई थी आपकी? शादी को हो गई 14 साल हो गए। तो घर में सास ससुर हैं आपके? घर में सास ससुर हैं, बेबी गाली देते हैं, ससुर भी देता है और सास भी देती है, और देवर मेरा जिला बदल है, वो रहता है दुखा फिरा रहता है। उस पर केस चल रहे हैं? उस पर केस चल रहे हैं, तो वो जिला बदल है। और अभी कहाँ रह रहे हो? देवर नहीं, अभी तुम कहाँ रह रहे हो? मैं करेरा रह रही हूँ अभी। माता पिता के यहाँ? माता पिता के यहाँ नहीं, मैं तो किराए से रह रही हूँ, माता पिता मेरे ग्वालियर रहते हैं गाँव में। तो वहाँ पर किराए से रह रही हूँ आप? मैं किराए से रह रही हूँ, वहाँ पे मेरी दीदी के पास में। रहने वाली कहाँ की हो सही आप? बेड़ार की। बेड़ार में तो आपके पति रहते हैं ना? बेड़ार ही रहते थे, ससुराल मेरी बेड़ार ही है, तो 5 महीने से मैं अपनी दीदी के पास में करेरा रह रही हूँ। माता पिता आपके ग्वालियर रहते हैं? ग्वालियर रहते हैं। तो कैसे रहते हैं ग्वालियर? वहीं पे रहते हैं ग्वालियर में। आपका पुश्तैनी मकान है क्या? वहीं पे है हमारा। तो ग्वालियर के रहने वाली हो? ग्वालियर के रहने वाले हैं। सर मुझे मेरे बच्चे चाहिए, माना मुझे बहुत परेशान करा, मुझे मेरे बच्चे दिलवा दो कहीं कैसे। तो पुलिस मदद नहीं करती क्या? पुलिस ने मदद नहीं करी, हम गए थे रात के रिपोर्ट करने के लिए। अभी आई एसपी साहब के पास? आया एसपी साहब के पास आया। बात हुई थी अभी? अभी नहीं हुई एसपी साहब से।